कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले बंद कमरे में मिली रक्त रंजिस लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था, जिसका खुलासा आज कटनी पुलिस ने कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के बावली टोला के किराए के मकान में 3 दिन पहले एक शव मिला था, जिसकी पहचान यूपी निवासी नूर मोहम्मद के नाम से हुई है। जिसके मामले में पुलिस ने उसके ही दोस्त रॉबिन बैन को गिरफ्तार किया है, जिसने 5,000 रुपये न देने पर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। साइबर सेल की मदद से शाहनगर जिला पन्ना के थाना के अंतर्गत उसको अभिरक्षा में लिया। अभिरक्षा के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी कुटला रोहित डोंगरे जी, थाना प्रभारी कोतवाली अजय सिंह और इनके सभी स्टाफ के सदस्यगण ने इसमें अच्छी मेहनत करके उससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उसने अपना अपराध स्वीकार किया और उसने घटना के संबंध में जानकारी दी। घटना के संबंध में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हम लोगों की गहरी दोस्ती थी, 5,000 रुपये मैं उधार लेने के लिए गया था, उधार नहीं देने पर हम लोगों का वाद विवाद हुआ और वाद विवाद होने के कारण से वहीं पर रखे हुए चाकू से मैंने वार कर दिए और उसके बाद में घटनास्थल से फरार हो गए। कटनी से EMS TV के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।